सभी को राम राम। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रांस एंड पोलैंड के वीज़ा के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई मेरे यूट्यूब चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं। तो चलो गाइस, ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, अभी टाइम हुआ है सुबह सुबह का और मैं जा रहा हूँ अभी ड्यूटी के लिए। वेदर अभी ठंडा जैसा ही चला हुआ है अभी यहाँ पे, बट ये है कि दिन में थोड़ी सी ठंड कम हो गई है, सुबह शाम को ठंड जो है वो अभी रह गई है। तो इसलिए आज मैंने अपनी जो कैप है वो भी नहीं पहनी है और अंदर भी जस्ट सिंगल ही पहना है, क्योंकि मौसम का जो रुख है वो थोड़ा सा बदल चुका है। दिसंबर की ठंड थी जो वो थोड़ी ज़्यादा थी, अभी जनवरी लग गया है तो भाई अभी ठंड जो है वो हल्की सी कम हो चुकी है और बारिशें जो है वो स्टिल वैसे लगी हुई है। आज बारिश नहीं थी, कल बारिश नहीं थी, अभी दो दिन बाद जो है वो फिर दोबारा तीन चार दिन की बारिश है एक साथ। तो ये होगी भाई माल्टा की अपडेट। अभी यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नहीं चला हुआ है, बस छोटे मोटे वीज़ा प्रोसेस जो है वो लोग कर रहे हैं, छोटी मोटी वैकेंसीज लोग निकाल रहे हैं ताकि लोग अप्रैल मार्च में यहाँ पर आ जाएं। बाकी और अभी तक कोई और नहीं, ऐसी अपडेट नहीं है कि जो आपके साथ शेयर की जाए। बाकी तो पुरानी जो भी अपडेट थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी थी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रांस और जो पोलैंड है उसके बारे में, क्योंकि यार मैं YouTube पे ही बहुत ज़्यादा वीडियो जो देख रहा था इन कंट्रीज़ के रिगार्डिंग, तो भाई मैंने सोचा यार चलो एक मेरे फ्रेंड के साथ में एक इंसिडेंट हुआ है तो यार क्यों ना मैं उसको शेयर कर दूं आप लोगों के साथ, क्यों आप उन लोगों के झांसे में ना आए। क्योंकि भाई यार आप लोग कोई भी अप्लाई करता है आपका वीज़ा तो भाई आप उसको पैसा देते हो और वो आपके बिहाफ पे अप्लाई करता है, और जब उसमें कुछ मिस हैपेंड हो जाता है तो भाई आपका पैसा डूब जाता है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि भाई जहाँ का वीज़ा पॉसिबल ही नहीं है वहाँ पर आप जा कर के अपने पैसे बर्बाद करो। अभी फ्रांस की अगर मैं पहले बात करूँ तो भाई फ्रांस में लोग बहुत यूट्यूब पे बता रहे हैं भाई बहुत जॉब्स है, ये है वो, वहाँ पे ये प्रोग्राम चल रहा है, वो प्रोग्राम चल रहा है। तो भाई वहाँ पे खाली टूरिस्ट वीज़ा के लिए जो है वो ज़्यादा अच्छा है फ्रांस में, क्योंकि जुलाई अगस्त कुछ ऐसे कर वहाँ पे ओलंपिक्स होने वाले हैं, तो भाई ओलंपिक्स के लिए आप वहाँ पर अपना जो वीज़ा है वो अप्लाई कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट। बट जॉब का वीज़ा भाई आप भूल जाना, बट टूरिस्ट वीज़ा भी भाई उन लोगों को ही मिलेगा जिनका बैंक स्टेटमेंट अच्छा है, ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है और आप पहले भी क्रिकेट देखने या फिर फुटबॉल देखने, मतलब कोई भी मैचेस आप ओलंपिक देखने आप पहले जाते थे, उनके आपके पास प्रूफ है, तो भाई उनको ज़्यादा बेनिफिट करेगा वो, ठीक है। अब जिसको ओलंपिक्स के बारे में कुछ पता नहीं है, कभी गया नहीं है, तो भाई वो अगर डायरेक्ट फ्रांस में आएगा ओलंपिक्स देखने के लिए तो भाई वो कुछ बात ही नहीं बनती, उसमें तो डायरेक्ट आपको जो रिजेक्शन है वो मिलेगी। तो भाई सोच समझ के यार अपनी फाइलिंग करो, क्योंकि बोलने वाले तो बहुत बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये है वो है। भाई अपना जानकार था हॉर्न देके गया, मैंने सोचा कौन आ गया यार। तो ये था भाई आपका फ्रांस का, ठीक है। बाकी अब मैं बात करता हूँ अभी पोलैंड की। पोलैंड में भाई बहुत ही झमेला चला हुआ है, मेरा ही एक फ्रेंड है तो उसकी मैं आपको बात बताता हूँ। उसको उसने भाई वो पोलैंड में काम करता था एक्चुअली, ठीक है, दुबई में था पहले वो, फिर वो पोलैंड में उसने दो साल काम किया। पोलैंड में दो साल काम करने के बाद उसके जो लिंक्स है, टाइप है ओनर्स के साथ में, वो बहुत अच्छे बन गए। उसके बाद उसने क्या है उससे वीज़ा अप्लाई करने के लिए बोला कि मेरे ऐसे ऐसे करके फ्रेंड्स है और दोस्त है भाई जो भी है उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना है। तो भाई उसने पहले छोटे मोटे वीज़ा अप्लाई किए, दो चार वीज़ा, दस वीज़ा, बाद में उसने एक साथ 50 वीज़ा अप्लाई किए। यार 50 वीज़ा आप सोच सकते हो भाई, 50 वीज़ा, और सभी बंदों से उसने एक एक लाख रुपया लिया, सभी बंदों से उसने एक एक लाख रुपया लिया। पहले 50 वीज़ा उसने अप्लाई किए तो भाई सीधा उसका जो है 50 लाख उसकी पॉकेट में आए। उसके बाद जो ओनर था उसको पैसे दिए उसने, ठीक है, उस क्योंकि उसने खरीदे थे परमिट, ठीक है। उसके बाद उनके वर्क परमिट निकलवाए, भाई वर्क परमिट भी 50 के निकल गए। बाद में भाई गरारी फंस गई,
अपॉइंटमेंट के लिए, पोलैंड की अपॉइंटमेंट नहीं है भाई। उसके बाद उस बंदे को भाई 6 महीने उसने वेट किया कि अपॉइंटमेंट मिलेगी, नहीं मिली अपॉइंटमेंट। बाद में उसने भाई उन बंदों के जो है वो पैसे रिटर्न किए हाफ, क्योंकि हाफ तो ओनर ने ले लिए थे, और उसके बाद जो हाफ थे वो उसको खुद की पॉकेट से उसने कुछ थोड़ा बहुत करके उसको अरेंज करके रिटर्न किए पैसे। तो भाई अभी मेरी बस आ गई है, तो आगे जाके थोड़ी बात को क्लियर करते हैं। तो गाइस मैं आपको बता रहा था पोलैंड के बारे में, मेरे फ्रेंड के साथ जो इंसिडेंट हुआ उसकी घटना जो मैंने आपके साथ शेयर करी, तो भाई वो बहुत बुरी तरह फंस गया था। तो मैं नहीं चाहता कि भाई आप लोग भी ऐसे फंसो किसी के झांसे में, क्योंकि कहीं पे भी भाई अपॉइंटमेंट है वो नहीं मिलती है पोलैंड की, जिसके कारण आपका जो वो अप्रूवल है तो वो हाथ में ही रह जाता है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सब लोग बोलते हैं कि हाँ मैं गारंटी के साथ आपको दूंगा पेपर, ये है वो है, तो भाई सब कुछ भी नहीं है, जीरो है। एक ये भी चला है हमारे साथ भाई, ये भी वहीं से आया है पोलैंड से, क्योंकि वहाँ पे मौसम जो वेदर है वो बहुत ठंडा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ठंड है, बर्फ गिरती है, तो वहाँ पर रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसको तो यहाँ पे भी बहुत ठंड लग रही है, पूरा इसने टोपी है, जैकेट है डाली हुई है, पूरे अंदर पजामी होती है वो भी डाली है, इनर अंदर होती है ना गर्म वाली वो भी डाली है। तो यार यहाँ का थोड़ा वेदर अच्छा है, बट वहाँ पर तो हालत ख़राब है, बहुत स्नो पड़ती है वहाँ पे पोलैंड में, और काम करने के लिए भी थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है और वहाँ पे आप काम करने जाते हैं तो भाई ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ का, बारिश पड़ रही है, स्नो पड़ रही है, कपड़े गिले हो जाते हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा वहाँ पे प्रॉब्लम रहता है। बाकी ये है कि काफ़ी कंपनीज़ वहाँ पे जो है एकोमोडेशन फ्री देती है, फूड फ्री देती है, तो इस चीज़ का वहाँ पे फ़ायदा है, क्योंकि माल्टा में ये चीज़ें नहीं मिलती है, तो वहाँ पे काफ़ी कंपनी दे देती है, क्योंकि ढूंढने में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम होती है इसलिए। तो ठीक है गाइस, आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।